केंद्रीय भाजपा सरकार द्वारा गैस के दामों में लगातार की जा रही वृद्धि के विरुद्ध जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन के माध्यम से बढ़े हुए गैस सिलेंडर के दामों को वापस लेने की मांग उठाई गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपए और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 350 रुपए की वृद्धि की गई है, जो कि गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि रसोई गैस के दामों में भाजपा सरकार द्वारा लगातार वृद्धि हो रही है, कॉमर्शियल सिलेंडर पर वृद्धि हो रही है, जिससे कि और चीजों में भी वृद्धि होना लाजमी है। उनकी मांग है कि तुरंत ही इन बढ़े हुए दामों को वापस लिया जाए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि त्योहार आ रहे हैं और ठीक त्योहार से पहले 50 रुपए घरेलू गैस के सिलेंडर पर और 350 रुपए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर वृद्धि कर दी गई है, जो कि गलत है। स्मृति ईरानी कहाँ गई? स्मृति ईरानी कहाँ गई? अरे मोदी योगी शेम शेम प्रतिदिन गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। ये आम आदमी आम गृहिणी की जेब पर उसकी गृहस्थी पर डाका है और होली जैसा पवित्र त्योहार 7 दिन पहले से गृहिणियां चूल्हे पर कहीं चिप्स बनाती हैं, कहीं पापड़ बनाती हैं, कहीं गुजिया बनाती हैं। इस तरह से उनकी कटौती करना, उनकी जेब की कटौती करना, ये कौन सी आम आदमी की सरकार है? ये लोगों की जेब पर कटौती कर रहे हैं और अडानी और अंबानी के घर भर रहे हैं। जिस तरह से राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार 500 रुपए से कम घरेलू सिलेंडर आज की तारीख में दे रही है, उसी तरीके से हम इनसे डिमांड करते हैं कि पूरे देश में ये 500 रुपए से कम घरेलू सिलेंडर दे, जैसे कांग्रेस के राज में 2014 तक मिलता था। और कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है कि 2024 में जब हमारी सरकार आएगी तो हर प्रदेश में, हर घर में 500 रुपए से कम घरेलू सिलेंडर मिलेगा। और इसी बात को लेकर हम आज बहुत आक्रोशित हैं। यह आक्रोश हमारा नहीं है, जनता का है, मगर जनता को इन्होंने डरा रखा है, दबा रखा है। हम कांग्रेस ही हैं, हम डरते नहीं, हम दबते नहीं हैं। जब तक ये गैस के दाम कम नहीं करेंगे, हम ऐसे ही हल्ला बोलते रहेंगे। कांग्रेस पक्ष। सीतापुर से ललित कुमार की रिपोर्ट।